हेलो एवरीवन, मैं हूं बनीता। स्वागत करती हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल आई एम सिया पे। तो फ्रेंड्स, आज का दिन 16 जुलाई 2019, तो आज एक त्यौहार भी है, गुरु पूर्णिमा है। तो उसी के उपलक्ष्य में हम लोग गए थे मंदिर माथा टेकने। तो हमारे घर के बिल्कुल नज़दीक बाबा जी का मंदिर है, बाबा बालकनाथ जी, और उस मंदिर को देवोत्थित के नाम से भी जाना जाता है। वहाँ ये जो मंदिर है, ये हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। बहुत ही मान्यता है इस मंदिर की, तो हम लोग भी गए वहाँ पर। तो आज मेरा एक एग्ज़ाम था, वो मैं कर रही थी एमए पोल साइंस। पोल साइंस में एमए और लास्ट मेरा एग्ज़ाम था, तो सोचा कि एग्ज़ाम के बाद एकदम से हम लोग मंदिर, एक मन में एक थी बात कि बाबा जी के मंदिर हमने जाना है, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका था कि हम लोग जा नहीं पाए थे। तो यहाँ पर मैं, मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे जो हैं वो पहुँच चुके हैं बाबा जी के मंदिर। तो यहाँ पर हस्बैंड जो हैं वो प्रसाद ले रहे हैं, और आप देखेंगे कि यहाँ पर ये जो मंदिर है, काफ़ी विशाल मंदिर है। बहुत बड़े एरिया में जो है ये मंदिर फैला हुआ है, और मंदिर भी काफ़ी बड़ा है, और साथ में और भी कई तरह की जो सराएं वगैरह वहाँ पे बनी हुई हैं, और बहुत सारी जो दुकानें हैं वो भी यहाँ पर लगी हुई हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये प्रसाद बनाने वाले अंकल जी हैं, तो ये बना रहे हैं। इस प्रसाद को बोला जाता है बाबा जी का रोट। तो ये कुछ कुछ मीठा मीठा होता है, और जैसे ये मैदा का बनता है और मीठा होता है, और इसको तल करके तैयार किया जाता है, तो बहुत ही स्वादिष्ट लगता है खाने में, और बच्चे तो बहुत ही खुश हो जाते हैं और मज़े से खाते हैं। तो ये बाबा जी का प्रसिद्ध एक प्रसाद है। तो आप भी आइए कभी यहाँ पर, और प्रसाद भी आप लेके जाइएगा। यहाँ पर इस तरह का प्रसाद जो है वो बाबा जी की के लिए चढ़ाया जाता है, और मान्यता है कि ये बाबा जी का रोट है, और बाबा जी इसको बेहद पसंद करते थे। तो बाबा जी, बाबा बालकनाथ बोला जाता है, उनका नाम बाबा बालकनाथ जी है, और देवोत्थित टेम्पल ये है। तो यहाँ पर ये हमारे हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में है बिल्कुल, क्योंकि इस मंदिर की खासियत ये है कि इसका आधा हिस्सा तो हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, और आधा हिस्सा जो है वो बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो हमारा जो घर है वो डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में है, तो बिल्कुल बेहद नज़दीक, तो सीमा पर ही, हमीरपुर बिलासपुर की सीमा पर ही कुछ किलोमीटर का फ़र्क है। और इस मंदिर में पहुंचने के लिए हमारे घर से अबाउट 7-8 किलोमीटर का ही सफ़र होता है हमारे घर से लेकर के वहाँ तक। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पर कितनी सुंदर सुंदर शॉप्स जो हैं बच्चों को लुभाने के लिए और बड़ों को भी लुभाने के लिए लगाई गई हैं, और बच्चे तो बस बोल रहे थे कि हमें बस कुछ ले दो, खरीद दो, और हमें बस, इन बच्चों को तो आपको पता ही है, कुछ और चीज़ें, ये खाने पीने की चीज़ों को भी इग्नोर कर देते हैं। इनको चाहिए तो सिर्फ बस हमें, मेरी बेटी तो बोल रही थी कि बस ये गुड़िया ले दो, ये टॉयज ढेर सारे चाहिए थे इसको, और बहुत ही खुश थी कि मम्मा पापा ने हमें यहाँ पर घुमाने के लिए लेके गए हैं। तो बहुत खुश थी मेरी बेटी, और मेरा बेटा भी बोल रहा था कि अब खिलौने ले दो यहाँ पर, ये ले दो, वो ले दो। तो यहाँ पर सब कुछ मिल जाता है मंदिर में।
जैसा कि आम मंदिरों की तरह ही, जैसे बड़े बड़े जो हिमाचल के मंदिर हैं, माता रानी के जो मंदिर हैं, अलग अलग जो मंदिर हैं, नैना देवी जी का मंदिर है, चिंतपूर्णी माता जी का मंदिर है, ज्वाला जी माता जी का मंदिर है, तो इन सब की बहुत मान्यता है हिमाचल में। तो इसीलिए हिमाचल को देव भूमि के नाम से भी जाना जाता है। तो हम क्योंकि हिमाचल में जगह जगह पर आपको काफ़ी सारे मंदिर जो हैं वो मिल जाते हैं, और जब भी आप मंदिरों में जाते हैं तो आपको अंदर जाकर के जो शांति प्राप्त होती है वो कहीं भी नहीं मिल सकती, दुनिया के किसी कोने में आपको नहीं मिल सकती। तो जब भी आपको मौका लगे तो आप परिवार के साथ मंदिरों के प्रांगण में जाइए, वहाँ पर बैठिए, कुछ समय जो है वो वहाँ पर आप डिवोट कीजिए, बैठिए, और कुछ देर के लिए, या कुछ आप समझ लीजिए कि आप 1 घंटा 1.5 घंटा आप वहाँ पर बिताइए, तो आपको एक अलग तरह की अद्वितीय जो एनर्जी होती है वो आपके अंदर आएगी, और आपको बहुत ही शांति जो है वो वहाँ पे मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, और आप वहाँ जाकर के बहुत ही अच्छा महसूस करेंगे। तो अच्छा महसूस करने का एक कारण और भी था कि आज बारिश हुई थी, और क्योंकि गर्मियों बरसात के दिन हैं, लेकिन गर्मियों की ही तरह के दिन हैं ये, ऐसा हाँ, हिमाचल की एक बात अलग है कि अगर यहाँ पर बारिश पड़ती है तो टेम्परेचर जो है वो लो हो जाता है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर चारों तरफ धुंध ही धुंध पड़ी थी, तो आज लग रहा था कि यहाँ भी शिमला ही, ये मैं बिलासपुर में नहीं हूँ, ये शिमला ही है, तो कुछ इस तरह का लग रहा था, क्योंकि धुंध ऐसी पड़ गई थी बिल्कुल कि जैसे ठंड का टाइम होता है, और जैसे शिमला में जो पिछला ब्लॉग था मेरा, तो शिमला में जो धुंध पड़ी थी उसी तरह की यहाँ पे भी धुंध थी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर सामने जो है वो बाबा जी का एक बहुत ही बड़ा पोस्टर लगा हुआ है, तो यहाँ पर जो महंत जी हैं उनका पोस्टर साथ में है, फ्लेक्सेस जो है वो लगी हुई हैं, तो यहाँ पर ये जागरण कर रहे थे, जो एक पार्टी है पंजाब से आई हुई पार्टी है, तो यहाँ पर ये जागरण कर रहे हैं। ये जो है ये लंगर भवन है बाबा जी देवरसिद्ध जी का, तो देवरसिद्ध में, तो ये मेरे हस्बैंड जो बच्चों की हर फरमाइश को पूरा करने में जुटे हुए हैं, तो यहाँ आकर के बच्चे बहुत खुश हो गए, क्योंकि आजकल हॉलीडेज चली हुई हैं, तो बच्चों की पहली शर्त यही है कि हमें बस कहीं ना कहीं घुमाइए, लेकर के जाइए, हमें हमें कहीं भी जाना है, हमें घूमना है बस। तो फ्रेंड्स, मैं एक बात आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि आप देख रहे होंगे कि मैंने मेन मंदिर जो है, जो जानते हैं कि मेन मंदिर जो है वो बिल्कुल अलग से है, तो वहाँ पर ही है, साथ में ही बिल्डिंग्स के अंदर, और मंदिर साथ में ही है, लेकिन अंदर बिल्कुल सख्त रेस्ट्रिक्शंस हैं। तो यहाँ पे रूल है कि अंदर किसी भी तरह का मोबाइल फ़ोन या कैमरा जो है उससे आप लोग कोई भी वीडियो अंदर नहीं बना सकते हैं। तो ऐसा तो आपने हर मंदिर में, चाहे आप माता जी के मंदिर में गए हों, वैष्णो माता के मंदिर जम्मू कश्मीर में, या फिर हिमाचल के सभी सभी शक्ति पीठों में जब भी आप जाते हैं, तो वहाँ पर बिल्कुल सख्त रेस्ट्रिक्शन होती है कि कोई भी मोबाइल लेकर के पिक्चर ना खींचे।
तो ये बाबा जी के मंदिर के साथ ही एक छोटा सा पार्क बनाया गया है जो बहुत ही काफ़ी ब्यूटीफुल है, क्योंकि हिमाचल में है तो नेचुरली है कि बहुत ही सुंदर होगा और बहुत ही ब्यूटीफुल होगा। तो ये जो पीछे एक मूर्ति टाइप जो है वो बनाई गई है, वो बाबा जी का ही प्रतिरूप है, बाबा जी की ही शेप दी गई है। तो छोटा सा पार्क था, कोई बहुत बड़ा पार्क नहीं था, लेकिन ब्यूटीफुल था और बच्चे भी इंजॉय कर रहे थे काफ़ी। तो मेरे हस्बैंड भी देख रहे हैं और वो भी काफ़ी इंजॉय कर रहे थे, और उनको भी अच्छा लग रहा था कि हम लोग जो हैं वो सभी जो हैं वो बाहर निकले हुए हैं, और हम लोग परिवार के साथ सभी जो हैं वो हम लोग साथ में इकट्ठा मंदिर गए हैं। तो उनको भी काफ़ी अच्छा और काफ़ी पसंद आ रहा था। तो यहाँ पर ग्रीनरी जो है वो काफ़ी है, हिमाचल में ग्रीनरी बहुत सारी है और तो सबको पसंद है ग्रीनरी, किसको पसंद नहीं है, सबको पसंद आती है। और यहाँ के मनमोहक नज़ारे देख करके सभी सभी लोगों के दिल जो हैं वो खुश हो जाते हैं। तो हम लोगों ने भी कुछ इसी तरह का प्लान किया था। तो हमारा प्लान जो है वो कामयाब हुआ। तो बहुत ही इन्जॉय किया। आप भी आइए हिमाचल, यहाँ पर दर्शन योग्य दर्शनीय जो स्थल हैं, जो प्लेसेस हैं, वो बहुत सारे हैं देखने लायक। तो यहाँ पर ये छोटा सा जो मैंने क्लिपिंग की है, ये सिर्फ आपको शो करने के लिए कि मंकीज़ को दिखाने के लिए कि मैं क्यों अपना जो सामान था, अपनी बेटी का एक बैग और अपना पर्स जो है मैं क्यों छुपा रही थी। तो इस ये आप अभी जो देख रहे हैं तो ये है होटल्स। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कोई होटल आपको नहीं दिखेगा, यहाँ पर बहुत सारे होटल्स हैं जिनमें आप रुक सकते हैं, आराम से आराम फरमा सकते हैं यहाँ पर हिमाचल में, और हिमाचल की खूबसूरती का नज़ारा आप यहाँ से ले सकते हैं। तो ये है बाबा बालकनाथ जी का फ्रंट जो सीन है। तो यहाँ पर मैंने कोशिश की है कैप्चर करने की, बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे एंड लाइफ जर्नी। थैंक यू, बाय बाय।